हेलो गाइज, वेलकम टू पार्ट फोर। और आज हम ढूंढने वाले हैं थर्ड पर्सन, मतलब ऐसे जो एंटिटी आया है देखो हमारे वर्ल्ड में, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक तीसरा आदमी मतलब ऑब्वियसली प्लेयर भी है। मुझे नहीं पता, देखो ऐसे मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है मेरे दोस्त पे, पर अभी प्लान ये है कि मैं अभी विलेज में जाऊँगा। एक विलेज में मैंने पास की विलेज देख रखी है, मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है उसके, तो मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। और वहाँ से कुछ विलेजर्स या फिर एक विलेजर से ही पूछने वाला हूँ उसका कोऑर्डिनेट्स, और देखता हूँ क्या होता है। ओके, सो अभी तो मुझे जाना है उस विलेज में, वो विलेज पास ही होगा आई थिंक, -300 से उसके कोऑर्डिनेट्स या इधर ही होगा। तो आज हमारा आ चुका है विलेज। ब्लैक स्मिथ भी है, देखो मुझे ये बात नहीं पता था क्योंकि मैं उल्टे तरफ से आया था इस विलेज में, तो मुझे नहीं पता ये। ओके, इसमें होगा क्या भाई? बाय द वे देखो, अगर डायमंड मिल जाए तो अच्छी बात है, पर मेरे पास डायमंड है नहीं, नहीं है। ओके, कोई नहीं, वैसे भी ले लेता हूँ क्योंकि फ्री का सामान है। अरे चलो भाई, क्रेजी भाई, चलो कुछ नहीं है, देखो लूटने के पर ये वो बात अलग है, मैंने भी लूटा है, बट या ये देखो ये मेरा एमजी देख रहे हो या। ओके ओके, सो मुझे एक विलेजर ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं बात कर सकता हूँ। फिलहाल तो बारिश हो रही है यहाँ पर, इसमें भी जला लूट ले। ओ देखो ये देखो विलेजर है, इधर विलेजर आ, लगता है ये विलेजर कोने में, मतलब ये जरूर कुछ बोलेगा देखो ऐसे। ओके गाइस, सो मैंने इससे बात किया है और ये बोल रहा है मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट्स, बट एक काम करना पड़ेगा, यहाँ का आयरन गोलम जो है वो बहुत नल्ला है, इसलिए हमको उसका मतलब रेड करना पड़ेगा। ओके सो अच्छी बात है, मतलब ऐसे रेड, देखो खुद विलेजर्स बोल रहा है तो ठीक है, करा देंगे, क्या हो जाता है। पर मुझे हमें ये रेड जीतनी भी पड़ेगी, ये नहीं कि भाई रेड करा दो और भाग जाओ, नहीं जीतनी पड़ेगी। और देखता हूँ फिर, अभी तो फिलहाल विलेजर आउटपोस्ट ढूंढना है मुझे, और मुझे नहीं पता वो कितने जन्म बाद मिलेगी, और अगर नहीं मिला तो मैं लोकेट कर लूँगा। मैंने कुछ नहीं बोला भाई दबे, आपने कुछ नहीं सुना, लोकेट वोकेट क्या होता है मुझे पता ही नहीं। ओके कहाँ है? हेलो क्रेजी भाई, कहाँ चल गए भैया जी? हेलो, ये इधर है, ये चिमकांडी है, एक नंबर का, बोलता भी नहीं है। ओके तो ऑब्वियसली नहीं बोलता क्योंकि अच्छी बात है नहीं बोलता। क्या हुआ, कुछ हुआ गया? ओके तो आई थिंक, देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ये क्या है, अरे यार मैं गिर क्यों जाता हूँ यार हर समय, ये देखो। ओके सो मुझे पिलेजर आउटपोस्ट अभी ढूंढना पड़ेगा, वो अब भाई आ जाओ भाई, आ जा भाई, छोड़ दे कुत्ते को। ओके किधर होगा, देखो मैंने ऑब्वियसली देख, तो यार हेलो पिलेजर आउटपोस्ट, वो क्या है? ओके मिल चुका है हमारा पिलेजर आउटपोस्ट, और अभी 5:30 बज रहे हैं सुबह के, नहीं शाम के उतने, मतलब मैं 10 बजे उठता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ। कितना लंबा, एक सेकेंड, वेट व्हाट, इतना लंबा पिले, ओ वेट मैं ऐसा होता है? अगर देखो, अगर मुझे नहीं पता तो भाई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मेरे द्वारा खोजा गया है इतना लंबा पिलेजर का आउटपोस्ट। नासा वाले बहुत खतरनाक है, अगर देखो नहीं मिला है तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड होगी, नहीं तो बाहर में जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमको तो भाई अपना वो चाहिए कोऑर्डिनेट्स। हेलो भाई, ताता भाई, तुम बहुत ये करते हो भाई, ताता भाई। ओके मैं यहाँ पर कोबलस्टोन निकाल लेता हूँ ताकि ब्रिजिंग वगैरह, अरे बंदा चिमकांडी। ओके मैंने अपने दोस्त को मार दिया गलती से, कोई नहीं होता है, देखो ऐसे मैं मार सकता हूँ क्योंकि मैं ओके कुछ नहीं बोला मैंने भाई, हैं ओके। सो गाइस मैं बस एक चीज पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, देखो ऐसे ओपी सीरीज आते रहेंगे, ओपी सीरीज के बहाने एक बंदा भी मर चुका है या ओके यहाँ पर है ये, इसका वो क्या बोलते हैं इसको, लीडर ही बोलते ना शायद, देखो ऐसे लीडर हर टीम का। ओके हाँ, ज़्यादा क्या नहीं दूंगा मैं। ओके इसमें क्या था, आयरन है और कुछ लॉग्स है, मैं लेने वाला हूँ, देखो मैं कंजूस बंदा हूँ, मैं सब लेता हूँ, हम सब लेते हैं सर। ओके चल चलो भाई,
क्रेजी भाई आ जाओ। देखो गाइस मैं यहाँ पर लिली पैड के ऊपर जंप करूंगा वाटर बकेट ट्रिक के साथ। लेट्स गो। क्या एमएलजी हुआ है भाई? अगर नहीं होता तो मैं सीधा चल जाता अंदर, मतलब ऐसे मर जाता मैं। देखो मैं मुझे मिल नहीं रही थी तो सो मैंने वो कर दिया विलेजर आउटपोस्ट, क्या बोलते हैं उसको। देखो चीटिंग नहीं है ये, ऑब्वियसली 200-300 साल बाद तो मैं ऐसे ढूंढने वाला हूँ नहीं। सो या मैंने लोकेट कर दी थी। सो शॉली फॉल दैट, बट क्या ही कर सकते हैं हितेश के। अरे यार नोटिफिकेशन यार लीक हो रहा है भाई, किस किस को सब्सक्राइब किया है मैंने भाई। ओके कोई नहीं, यहाँ पर देखो सीप है। ओके सो यहाँ पर लावा पूल है एक बढ़िया वाला। यहाँ पर मैं नेदर पोर्टल बना सकता हूँ। वेट व्हाट, रेड स्टार्ट हो चुकी है, मतलब मुझे सोना पड़ेगा। देखो अभी रात में तो मैं रेड ये नहीं टैकल करने वाला, नहीं तो भाई स्केलेटन वेलेटन मार देंगे भाई। सो जा भाई क्रेजी बॉय, सो जाओ सरजी। हेलो, सो रहा है बंदा? अबे लड़ने चला गया क्या? हेलो सर, हेलो। ओके सो रहा है। ओके तो शायद उसको घर नहीं मिली थी इसलिए उसने इतना देरी लगाया, बट या कोई नहीं। ये क्या कर ट्रेड कर रहा है? जो भी ट्रेड कर रहा है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो आई एम आउट। ओके एक गंदा जोक था। अच्छा तो कहाँ है, कहाँ? ओके इस ऊपर में। अरे स्केलेटन है भाई, भागो, मुझे स्केलेटन अच्छे नहीं लगते। देखो क्रीपर एक फिर भी ठीक है, मतलब ऐसे सील्ड अप कर लूँगा मैं, चाहे कितनी भी हो जाए मरूँगा तो नहीं, बट ये स्केलेटन सिर्फ नॉकबैक देते हैं मुझे, इसलिए मुझे स्केलेटन अच्छा नहीं लगता। देखो बेडरॉक एडिशन में एटलीस्ट, जावा में नहीं पता मुझे जावा में नॉकबैक देते या नहीं, पर बेडरॉक एडिशन में देते बहुत। आप मारना होगे वो नॉकबैक देगा, फिर 7-8 ब्लॉक दूर आप जाके गिरोगे। सो इससे अच्छा भाई क्रीपर फट जा, पर मरूंगा तो नहीं, एटलीस्ट सील्ड रहेगा तो। या ये मर चुका है क्या स्केलेटन? छोड़ो, ये रहा विलेजर। हेलो सर, अरे सेकेंड रेड आ चुकी है ना? हाँ ओके, मैंने सोचा फर्स्ट रेड में इतने बंदे कैसे। हेलो सर, अरे मैं अपने ओके कोई नहीं। हेलो हेलो शल जी, नॉकबैक देगा मैं, मर जाओ। रेड टू मॉब्स, कहाँ है वो? एक तो सामने दिख रहा है। हेलो सर जी, क्या आप मरोगे यार? स्केलेटन अभी भी जिंदा है। स्केलेटन देखो ऐसे ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मार रहा है मुझे, मार दे। वाह मार दिया। मेरा दोस्त देखो बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसे देखो भले ही एग्रेसिव है तो या यही है, अच्छे से मार देता है सब प्राणियों को। हेलो सर किधर हो? हेलो, मिल गया क्या इसको? थर्ड वेव मिल गया क्या? मतलब थर्ड वेव मतलब अभी तक आई भी नहीं है। लॉल अभी भी एक बंदा रिमेनिंग है, पर किधर है, किधर है मैम? ओके मेरा दोस्त तो इधर है एटलीस्ट, पर बंदा किधर है, मतलब वो क्या बोलते उसको, रेडर किधर है? वो देखो विंडिकेटर है शायद ये, इसको विंडिकेटर ही बोलते शायद, नहीं पता। देखो मैंने तो भाई रेडर ही बोलना है। हेलो सर मर जाओ। ओके लेट्स गो, अब थर्ड वेव आने वाली है, और थर्ड वेव में अब मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। और देखो आई थिंक हाईएस्ट 7 वेव की आती है ना पूरी रेड। देखो वैक्सेस नहीं आने चाहिए, नहीं तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट हेलमेट जो है वो जाने वाला है। हाँ इतना ही बोलना था। और अगर मैं हम जीत गए ऐसे रेड जो है वो जीत जाते हैं तो देखो मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि लाइब्रेरियन यहाँ पर है, मैंने देखा है वो, देखो लाइब्रेरियन का घर है उधर, तो उसे अगर वो मिलेगा मतलब कम दामों में सब चीज़ें मिलेगी तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ उपयोगी सामान, फिर मैं पार्ट 5 में दिखाने वाला हूँ। यस पार्ट 5 भी आने वाली है, आई थिंक नहीं आएगी, बट कब आएगी नहीं पता, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है उसकी। सो या अगर आपको पार्ट 5 जल्दी चाहिए तो एक लाइक कर दो, तब तक मैं इनको मारता। अरे ये जो है ना, ये क्या बोलते इसको, देखो इसका नाम नहीं पता मुझे, पर ये सांड जो है ये मुझे एकदम पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आथू ओके किधर है?
एक और अरे हर समय एक क्यों रिमेन रहता है भाई। किधर है वो? अरे भाई साहब ये देखो मैं जी नहीं कर सकता, देखो ऐसे ब्रेड था मेरे हाथ में। हेलो सर बढ़ जाओ। हेलो मैं अपने दोस्त को मार रहा हूँ। ओके लेट्स गो। क्या पर वेट व्हाट, जीत गए हम रेड इतना जल्दी? कैसे कैसे भाई इतना जल्दी कैसे जीत गए? ओके कोई नहीं, अगर जीत चुके तो अच्छी बात है, हमारे लिए इजी था ये क्योंकि हम नेदराइट के बंदे थे, नेदराइट आर्मर के बंदे। सो या नेदराइट के बंदे क्या होते हैं भाई, देवे नेदराइट ने भेजा है हमको है। ओके सो मुझे वो विलेजर अब खोज ढूंढना पड़ेगा किधर है। ओके वो विलेजर देखो, वही विलेजर जानता होगा क्योंकि ये सब तो गवार है भाई, ठीक ना? हाँ बोल रहे, देखो हाँ बोल रहा। ओके वहाँ पर एक विलेजर है शायद, उसका वो नाक दिखा, ये रहा ये रहा ये रहा भाई, मैं अपना ये हटा देता हूँ। ओके सो गाइस हमको कोऑर्डिनेट्स मिल चुकी है, नेक्स्ट एपिसोड में ऑब्वियसली।